बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे माथा टेकने के लिए, और यहाँ से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे माथा टेकने। हम आपको दिखाते हैं ये गोल्डन टेम्पल सामने, और जो मेरे ये चावल है और ये खीर है और ये छोले और पनीर की सब्ज़ी और ये दाल और हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो हम अमृतसर में आए हैं, आपको पता ही है, तो सेकंड पार्ट है ये ब्लॉग का। और जैसे आपको दिखाया था कि हम करनाल से अमृतसर में आए थे, तो यहाँ आके अब दरबार साहिब में आज माथा टेकने जाएंगे। तो आज का नेक्स्ट डे हो गया, कल गए नहीं हम वहाँ पे, तो आज दिखाएंगे आप सबको। तो दिखाते हैं जो तैयार हो रहे हैं हमारे मेंबर साथ में, ये देखो सभी तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारा रूम था, तो यहाँ से गोल्डन टेंपल सामने दिखाई दे रहा है, वो सामने गोल्डन टेंपल है। तो यहाँ हमें रूम मिला है, तीसरी बिल्डिंग ऊपर तीसरी मंजिल है। तो यह अकाल तख्त का जो एरिया बना हुआ है, यहाँ का जो हरमंदिर साहिब की देख रेख करते हैं सभी, ये यहाँ पे सभी होता है। तो यहाँ भी रहने के लिए बनी हुई है बिल्डिंग्स, यहाँ भी बनी है या इधर भी बनी है, और सभी इधर उधर सभी बिल्डिंग बनी हुई है रहने के लिए। तो आगे दिखाते हैं आप सबको साथ में। गोल्डन टेंपल के अलावा और भी कुछ बहुत कुछ है देखने के लिए। ये सामने गोल्डन टेंपल है और वो दरबार अंदर आने के लिए है, तो वो अकाल तख्त साहिब है। अकाल तख्त मीनिंग मतलब कि जो सिखों का जो भी फैसला लिया जाता है वो यहाँ से लिया जाता है, जो कोई भी फैसला हो यहाँ से लेना पड़ता है। और बाकी जो आपको दिखा दिया है, यहाँ निवास स्थान बने हुए हैं रहने के लिए, ठहरने के लिए कोई भी बाहर से आए तो यहाँ रह सकते हैं। और एक तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो सामने अकाल तख्त जो मैंने बताया था आपको, ये सभी यहाँ जो भी फैसला लेते हैं वहाँ से फैसला लेने के बाद यहाँ पास होता है, वो ये चीज़ बनाई गई है। और बाकी हो सके तो आपको और भी कुछ दिखाएंगे साथ साथ में। वो ये सामने रसोई घर है, ये सारा रसोई घर है यहाँ पे, और ये जोड़ा घर है, जैसे जूते जमा करवाने के लिए ये बना हुआ है। और ये सामने रसोई घर, लंगर हाल जिसको बोलते हैं। अब हम जा रहे हैं माथा टेकने के लिए, और ये सारे इधर जा रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पे हमने रूम लिया है पीछे उधर, तो अब लिफ्ट का नज़ारा लेंगे। ये देखो लिफ्ट, ये लिफ्ट खुल गई और हम जा रहे हैं। चलो चलो, ये लिफ्ट है। और ये अमनप्रीत, ये जुगराज सिंह जस्सी, ये दीदी जी, ये हमारे दामाद जी, और ये पारस सिंह, और ये हैं गुरशान सिंह, ये जपनूर कौर। और हम लिफ्ट में नीचे जाएंगे अब। नहीं, ये गुरमुख सिंह, किसी का इंतजार। चलो बंद कर दो अब। आ गए, नीचे जा रहे हैं। गलत टाइम ते दे आए और रोक ला पावे ते जे दे नहीं साकिन फोन ते और तुझे ते ते की करना है। ओए वरन, ओए इधर बेटे, इधर आ जाओ। जाना नहीं, नहीं जाना नहीं, नीचे जाना है। चलो जी अब नीचे, चलो चलो अपने भी चली जाएगी। ये नीचे आ गए, ये लिफ्ट, ये नीचे, यहाँ कल बैठे हुए थे। और यहाँ जो कल 5 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक पी थी वो ही जगह आ गई। यहाँ इधर गोल्डन टेंपल है, यहाँ से नीचे सीढ़ियों से
ये हम यहाँ आ गए जोड़ा घर शूज हाउस यहाँ है, और यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ जूते जमा करवाएंगे। तो यहाँ जूते जमा करवाने के लिए भी बहुत अच्छे जगह बनाई हुई है, बिल्कुल सफाई है यहाँ पे, यहाँ सभी जूते जमा होते हैं यहाँ पे। ये जूते जमा करवाने लगे हैं सभी, इसमें रख दो टोकरी में, इसमें रख दो सभी, यहाँ रख दो, सभी रख दो यहाँ पे, जमा करवा दिए। ये टोकरी चलेगी अंदर और वहाँ पे जाके टोकन मिल जाएगा हमें। ये टोकन आ रहा है हमारा, और ये जूते है, ये दीदी जी, लो जी हम ये अंदर आ चुके हैं, और हम आपको दिखाते हैं ये गोल्डन टेंपल सामने, और जो मेरे साथ में है वो उधर सामने है। तो ये दुखभंजनी बेरी है, इसका भी इतिहास है। तो ये अंदर से गोल्डन टेंपल, ये सारा ही तकरीबन सोना लगा हुआ है इस पे। तो हम इधर जाएंगे, इधर जाके फिर अंदर नतमस्तक होंगे, मत्था टेकेंगे। तो देखते हैं आगे, देखने में बहुत सुंदर दृश्य है इसका। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे माथा टेकने के लिए, और यहाँ से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे माथा टेकने। ये मेन एंट्री गेट है, और भीड़ देखो कितनी है, यहाँ से लेके 2-3 लाइन बनी हुई है, ज़्यादा भीड़ देखते हुए हम फिर अगले दिन सुबह आई 3 बजे, और 3 बजे माथा टेकने के लिए आए हैं। ये रास्ते में घड़ी मिली है, और ये घड़ी पुरातन टाइम की, पुराने समय ये समय बताती है, अपना सूरज की किरणों और तारों की रोशनी से ये चलती है। ये लंगर हाल बना हुआ है, यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, जब मर्जी आ सकते हैं। और 3 यहाँ पे लंगर हाल बनाए गए हैं, ऊपर नीचे और बीच में, और चलता ही रहता है यहाँ 24 घंटे लंगर, जब मर्जी आ सकते हैं, खा सकते हैं। और ये सामने दरबार साहिब है, गोल्डन टेंपल। हाँ चलो चलो चलो।
यहाँ से ऐसे बर्तन मिलते हैं, चलते चलो बस अपने आप ही बर्तन मिलते जाएंगे। ये मिल गई और ये आगे, अब नीचे का रास्ता बंद हो गया, ऊपर जाना पड़ेगा। अब ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे बना हुआ है, वो लंगर छक रहे हैं नीचे, और हमें नीचे का रास्ता बंद हो गया और अब ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ बस भीड़ ऐसे ही रहती है। आप मामा जी कहते पीछे ठीक है। तो यहाँ पुरानी दीवारें कुछ बनी हुई है, वो भी हो सके टाइम तो ज़रूर दिखाएंगे। ये बर्तन लेके आए हैं हम, अब दिखाते हैं ऊपर का लंगर हाल। ये देखो ऊपर पूरी भीड़ है, बिल्कुल भीड़। यहाँ भी तीनों लंगर हाल में 24 घंटे ऐसे ही चलती है भीड़। और ठोक जाओ इसकी बात। ये लंगर है और जैसे खाली खाली नहीं है कहीं से भी। ये चावल है और ये खीर है और ये छोले और पनीर की सब्जी और ये दाल और इसमें पानी। ये अमृतसर का रात का माहौल है, रात का बाज़ार जो लगा हुआ है, तो सभी घूमने आए हैं, हम भी घूमने आए हैं यहाँ पे। तो कोई भी ख़रीदारी करनी हो तो यहाँ अमृतसर के बाहर आके, जैसे बाहर बाज़ार है गोल्डन टेंपल का, तो वहाँ जाके कुछ भी ख़रीदारी कर सकते हो। हमने बच्चों के लिए खिलौने लिए हैं, ये इनके लिए खिलौने हैं। तो हम भी घूमने आए हैं बाहर, तो बहुत अच्छा बाज़ार है और भी दिखाते हैं आपको। ये फ़ोटो लोकेशन भी बहुत अच्छी है यहाँ के, यहाँ पर फोटोग्राफ वैसे ही घूमते हैं तो जैसे थोड़े बहुत पैसे लेके फ़ोटो खींच लेते हैं। जिलियां वाले बाग पे जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, उनको समर्पित ये ज्योत है, वो ये जिलियां वाले बाग के सामने ही लगी हुई है। तो ये सामने जिलियां वाला बाग है जो जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, उस शहीदों को याद करते हुए यहाँ अमर ज्योति जलाई गई है। और ये सामने गोल्डन टेम्पल का दरवाजा है और सभी सोने लगे हैं और ये वीडियो एडिटिंग कर रहा है और ये सभी सो रहे हैं। तो रात में गोल्डन टेंपल ऐसा लग रहा है यहाँ से, हमारे रूम से 11 बज गए रात के,
और भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती। यहाँ 12-1 बजे रात तक भीड़ रहती है।